कामा में भू माफियाओं द्वारा मंदिर माफी तालाब कुंड पोखर चारागाह की जमीनों को हड़पने और फर्जाकारी करने के कारनामे तो समय समय पर सामने आते रहे, लेकिन अब ऐसा ही एक मामला कामा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धिलावटी में सामने आया, जिसके संबंध में पीड़ित आदिल पुत्र नुरु जाति मेव द्वारा आरिफ पुत्र आस मोहम्मद तुफैल पुत्र आस मोहम्मद राहिल पुत्र आस मोहम्मद मुबीन पुत्र अजमत ममता मामली पत्नी अजमत मजीद पुत्र अजमत महेश पटवारी पवन पटवारी हल्का धिलावटी सुशीला पत्नी सुरेश हाल सरपंच ग्राम पंचायत धिलावटी किशोर यादव स्वयं घोषित सरपंच प्रतिनिधि के विरुद्ध एक मामला कामा थाने में दर्ज कराया गया। दर्ज मामले में बताया गया कि खसरा नंबर 2043-2045-2046 भूमिवा के ग्राम नगला कुलवाना में स्थित है, जिसकी मेरी माँ रहीसन है। वो मैं खुद 1/6 हिस्से का मालिक हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु 18 नवंबर 2009 को हो चुकी है। अभियुक्त आरिफ तुफैल राहिल पुत्र आस मोहम्मद मुबीन पुत्र अजमत व मामली पत्नी अजमत व मजीद पुत्र अजमत जाति यान मेव ने मेरे पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र हल्का लेबडा हाल सरपंच सुशीला पत्नी सुरेश ग्राम पंचायत धिलावटी तथा किशोर यादव स्वयं घोषित सरपंच प्रतिनिधि आदि ने षड्यंत्र रचकर सुनियोजित तरीके से अभियुक्त मामली से एक प्रार्थना पत्र मैं शपथ पत्र के इस आशय का पेश करवाया कि मेरे पुत्र नुरू की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी आज तक शादी नहीं हुई, जो लावल्द बिला औरत फौत हो चुकी है, जिसकी उक्त आराजी भूमि से मुझे ही ये वारिसान मानकर नामांतरण किया जाए, जिस पर सरपंच एवं पटवारियों ने आरोपियों से मिलकर फर्जी रिपोर्ट तैयार कर उक्त भूमि को अभियुक्त मामली के नाम पर कर दिया, जिसको 10 जनवरी 2024 को 15 लाख में कुर्सीतन पत्नी हबीब के नाम करा दिया गया, जबकि खरीद करने वालों को ये जानकारी थी कि मृतक नुरू की पत्नी और लड़का आदिल जीवित है। जब मामले में सरपंच प्रतिनिधि किशोर पर आरोप है, जब वो न्याय मांगने को उठ जाते हैं तो राजीनामा का दबाव बनाता है और नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देता है। वहीं दूसरी ओर जीवित पीड़ित माँ और बेटा द्वारा अपनी पहचान बनाए रखने के लिए एसडीएम कामा के समक्ष पेश होकर एक दावा पेश किया, जिसमें षड्यंत्र पूर्व कूट रचित दस्तावेज बयानामा दाखिल खारिज पेश किए गए, जिनको निरस्त करने के लिए पीड़ित व उसके पुत्र के एसडीएम कामा के यहाँ न्याय की गुहार लगाई गई, साथ इन सभी फर्जी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस घटना के बाद एक और मामला बैनामा होने के दौरान देखने को मिला, जब तहसील में पंजीयक ममराज सिंह ने बिना मौका देखे और मामले पर चुप्पी साधते हुए बैनामा तस्दीक कर दी। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई गई। वहीं बेवा की मदद के लिए क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भी न्याय दिलाने को आगे आ रहे हैं। ये जो गांव में फर्जी विरासत खोलने का जो मामला आया, इस मामले में आप क्या जानकारी आपको? आरिफ ने सरपंच सपन मिल के करवाई। कौन कौन दोषी है इसमें? हम सरपंच भी दोषी है, आरिफ भी, मजीद। क्या मृतक नूरू के पत्नी और बच्चे हैं? है जी, एक लड़का है। क्या नाम है आपका? नूरू जी। पिता का नाम? अर्जन। निवासी? मेरा लखनऊ जी। आदिल मेरा नाम। बाप का नाम? नूरू। कहाँ के रहने वाले? कुलवाना नंगला का। क्या मामला है जी? मेरी जमीन थी, वो जमीन हत्याली मेरी, और मतलब वो मारने की धमकी दे रहा। पापा था मेरा, पापा लावारिस करवा दे गया। जो अब सरपंच है, जो सरपंच ताऊ का लड़का आरिफ तुफैल राहिल मोमली, इन सब ने मिलकर संग फ्रॉड करा है, तो कागजों में तुम्हें मार दे, मेरे को जिंदा ही मार दिया उनने, तो मार। अब ये बोलते मतलब तो राजीनामा कर ले, राजीनामा नहीं तो तेरे को खेत भी नहीं देंगे, तेरे को जान से मार देंगे, जैसे तेरा पापा मारा था हमने। क्या नाम है सरपंच का? और सरपंच जो धमकी दे रहा है, सरपंच का नाम वो है, वो सरपंच का नाम नहीं मालूम है जी? नहीं, ये सरपंच का नाम मालूम। क्या कह रहा है वो? वो कहता कह तो राजीनामा कर ले, और नहीं तो तेरे को खेत भी नहीं मिलेगा, तेरे को मार भी देंगे हम। क्या नाम क्या है तुम्हारा? रईसा। और आदिल मेरा लड़का है। पति का नाम? नूरू। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? इन्हें डटन ना दी, मेरे छोटा सा लालम में लेके चली गई, मारे पीटे हम, बहन ना दी, मैं आवे ही मैं देवर सब चढ़ जावे, मैं मार लू और हमन के बिगाड़ दियो। अब क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब केस गिर दियो हमन, वो सरपंच करो कैलर केस है। फिर आप किस वापस ले रही हैं? नहीं ले रही मैं, तो धमकी दे रहे हैं।
क्या लड़ेगी तो तुम मारंगा धन करूंगा। कौन सा सरपंच है? नाम किशोर। किशोर सरपंच कह रहा है। हाँ ठीक है, दे रहे हैं। जमीन हड़प ली आपकी? हाँ जमीन हड़प ली। कुलवाना का रहने वाला हूँ। जोरू मेरा नाम है, बाप का नाम अर्जन है। ये जो एक खेत का जो क्या नाम हो रहा है इसके नूरू, क्या मामला था? नूरू को मामला ये है, नूरू अपने उसके एक लड़का है, एक पत्नी है उसके, और नूरू का इंतकाल हो चुका है और वह हमारे पड़ोसी है और उसको मारा उसे दिखा दिया, बच्चों को भी, बीवी को भी, सबको। अच्छा, और जमीन जो दूसरे के नाम विरासत खुली है, फर्जी कार्य में कौन कौन लोग शामिल है? यहाँ फर्जी कार्य में जो किशोर सरपंच है, पटवारी है और ये और भी हैं,